तो फाइनली यूट्यूब ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया भाई। अब चलना पड़ेगा गुजरात। गुजरात जाके वहीं पे करेंगे 10-12 हज़ार की जॉब और उसी में होगा गुजारा, क्योंकि यूट्यूब पे काम करने से कोई मतलब नहीं है। इतनी मेहनत करके यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, ना तो लाइक बढ़ रहा है, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है, ना ही व्यूज़ आ रहा है चैनल पर। इस महीने में तो बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ डाउन है। यहाँ पर मैं अपने चैनल की क्या बात करूँ, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, टेक चैंपियन सपोर्ट, मनोज डे, ध्रुव राठे, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके चैनल का व्यूज़ बहुत ही डाउन है, 10% से भी कम व्यूज़ आ रहा है। तो क्या मतलब है ऐसे जगह पर काम करने का? तो जितने भी लोग YouTube का सपना देख रहे हो, छोड़ दो, जाके भैया कहीं पे काम करो। मैं तो फाइनली अब चलूँगा गुजरात, YouTube पर काम करते करते उग गया, अब YouTube मुझसे नहीं होगा, अब फाइनली YouTube को छोड़ना ही बेटर है। तो क्या हुआ, हो गए डिमोटिवेट? ऐसे करोगे YouTube का सपना पूरा? जा रहे हो बाहर, जा रहे हो मजदूरी करने, फिर से जाओगे 10-12 हज़ार की जॉब करने? अरे मैं भाई, मैं 20 हज़ार की जॉब को छोड़कर यूट्यूब कर रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो क्या हुआ, क्या करोगे, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दोगे? आखिर क्या प्रॉब्लम है? यूट्यूब में प्रॉब्लम है जो आपकी व्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में मैं बता दूं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहले भी वीडियो में बताता रहता हूं कि अभी प्रेजेंट में क्या है कि यूट्यूब क्या कर रहा है, शॉर्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को बहुत कम व्यूज़ मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी आप कुछ भी सर्च करते हो तो फर्स्ट में क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म पहले आ जाता है। तो आदमी क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म अगर एक बार स्क्रॉल कर दिया या फिर एक बार क्लिक कर दिया, वहाँ पे वॉच करने लगा, तो वो स्क्रॉल करते ही उसका टाइम बिजी हो जाता है, फिर वो आधे घंटे, घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट स्क्रॉल ही करता रहता है, लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखता है। इससे क्या होता है, लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो का व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो आप पहला रीज़न तो ये समझो। दूसरा रीज़न मैं बताऊं कि इस महीने में मेरा ही चैनल नहीं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मेरा तो बहुत छोटा है, एकदम मिनिमम है, समझ लो, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर की मैं बात करूँ, ध्रुव राठे, मनोज डे, बहुत सारे ऐसे, टेक चैंपियन सपोर्ट, टेक्निकल गुरु जी, ये सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इनका चैनल आप जाके उठा के देखो, 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10-10, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज़ देखोगे तो 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख तक व्यूज़ आता है, 10% से भी कम व्यूज़ आ रहा है। आखिर क्यों? यहाँ पे मैं एक सॉलिड रीज़न बताता हूँ कि आपको पता होगा, ये चल रहा है मंथली अप्रैल, ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल मंथली में क्या होता है, चलता है IPL। अभी जितना भी आदमी है वो क्या कर रहा है, सबको IPL देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IPL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, पूरी इंडिया, पूरा यहाँ वर्ल्ड की बात करूँ तो, अगर आप IPL का जियो सिनेमा वगैरह अगर आप लाइव देखोगे तो वहाँ 20-20 करोड़ आदमी जो है देखता रहता है, 20-20 मिलियन आदमी लाइव चलता रहता है। और जितने भी लोग हैं यूट्यूब वीडियो को क्यों नहीं देखते हैं कि उनका डाटा जो है खत्म हो जाएगा, 1.5 GB की लिमिट होती है, अगर वो दिन भर रील वीडियो देख लेंगे तो उनका डाटा जो है खत्म हो जाएगा, फिर वो लाइव मैच IPL नहीं देख पाएंगे, इसलिए वे अपना डाटा बचा के रखते हैं, वीडियो वगैरह नहीं देखते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर आप YouTube वीडियो नहीं देख रहे हो, IPL के लिए डाटा बचा के रख रहे हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है, समझ रहे हो ना? IPL देख के आप क्या करोगे, आप बताओ। मान लीजिए कोई टीम जीती रही है यहाँ पे, तो आपका नसीब भाग जागने वाला नहीं है कि आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर आप वो वीडियो छोड़ रहे हो जो आपके लिए फायदेमंद है, जो वीडियो आपके काम की है, वो वीडियो आप छोड़ के IPL देख रहे हो, तो ये तो फिर आप अपने ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हो, समझ रहे हो? आप वो वीडियो देखो जिससे आपको कुछ लाभ हो, जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, जो आपके सफलता में थोड़ा सा हाथ बढ़ाए, कदम बढ़ाए, आपको थोड़ा सा आसानी लाए, तो वो वीडियो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, वो वीडियो देखो। IPL तो आज चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा अप्रैल, उसमें भी चलेगा, हर साल आते रहता है, ठीक है, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो कुछ डिफरेंट करो, कुछ डिफरेंट चीज़ें देखो, यूट्यूब वीडियो देखो। अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखो, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जानकारी वाली वीडियो देखो ना, जिससे आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिले, आपके चैनल में ग्रोथ हो, आपकी वीडियो में ग्रोथ हो, स्किल में डेवलप हो,
बहुत सारा चीज है अभी जो आपको नहीं पता होगा। अगर आप YouTube कर रहे हो तो आप क्लियर बताना, आप YouTube से संतुष्ट हो, आपके चैनल में अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, YouTube से पैसे कमा पा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो, क्यों नहीं कमा पा रहे हो? YouTube में तो कोई खराबी नहीं है, चैनल में भी कोई खराबी नहीं है, खराबी किस में है? आप में है। काम नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू काम नहीं कर रहे हो, रेगुलर काम नहीं कर रहे हो, अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, वीडियो नहीं बना पा रहे हो। अब वो डाटा आप बचा के IPL देख रहे हो, IPL देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखो, देखो लेकिन अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको IPL इम्पॉर्टेंट है या फिर YouTube वीडियो इम्पॉर्टेंट है या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो रीज़न बहुत बड़ा है, IPL है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते रहो, YouTube पर काम करो। YouTube को अब मैं तो बता दूं कि YouTube मैं छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं हर वीडियो में ऐसे बताता हूं, आप लोगों को मोटिवेट करता हूं, बट मैं YouTube को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अभी 20-22 हज़ार की जॉब को छोड़ के आया हूं और YouTube पे काम कर रहा हूं। तो ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आप हमें अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Facebook, Instagram, Twitter पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।